आज मैं बनाने जा रही हूँ कोर्न पकौड़े, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो अगर आपको भी पकौड़े खाने का मन है तो इस बार आप प्याज और आलू की जगह कोर्न यानी भुट्टा के पकौड़े ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं इन्हें बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप कोर्न लिया हुआ है, इसे मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, ये फुल वाली जो कटोरी है ना उसे रखेंगे साइड में, और ये आधी वाली जो कटोरी है ना उसके कॉर्न को एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे ना हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, अब एक बॉल में ये साबुत वाले कॉर्न जो हमने साइड में रखे थे ना उसे डालेंगे और साथ ही ये ग्राइंड करे हुए कॉर्न भी डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप प्याज, 2 हरी मिर्च चॉप करी हुई, 1/3 चम्मच जीरा, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, वैसे तीखा अपना अपने हिसाब से करिएगा। अब डालेंगे इसमें 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब पकोड़े में क्रिस्पीपन लाने के लिए 1 चम्मच पूरा भर के चावल का आटा डालेंगे। इसी के साथ इसमें 4 चम्मच के करीब बेसन डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हरी धनिया डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बाइंडिंग के लिए 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमें यहाँ बैटर एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का गाढ़ा बैटर चाहिए हमें। तो चलते हैं पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अब ऑयल में इस तरह से पकौड़े डालेंगे और इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे पलट पलट कर। ये देखिए, एकदम बढ़िया कलर के साथ एकदम क्रिस्पी पकौड़े फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। और ये देखिए, कॉर्न के एकदम क्रिस्पी पकौड़े बनकर रेडी हैं और खुशबू पता इतनी बढ़िया आ रही है ना यार, क्या बताऊँ। ये दाने देखिए कॉर्न के, जिसकी वजह से पकौड़े कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। अब मैं चलिए खाने, बाय बाय।